खबर विदिशा मध्य प्रदेश से है। किसान को एक तरफ महंगी खाद दवाएं बीज की मार तो पड़ ही रही थी, ऊपर से तेज हवाएं किसानों की फसल को जड़ से हिला रही हैं। जड़ हिलाने से गेहूं की दानों में मात्रा कम आएगी और वजन भी कम रहेगा, जिससे प्रति एकड़ झाड़ में भी गिरावट आएगी। वहीं पीपलखेड़ा में शनिवार और रविवार को रात में आए आधी तूफान से किसानों की गेहूं की फसल नीचे गिर गई और जिससे किसानों को काफी नुकसान होने की संभावना है। और बता दें कि गेहूं के खेत में पानी चल रहा था, उसी वक्त रात में तेज हवाएं चलने लगी। पीपलखेड़ा के किसान सुल्तान साहू ने बताया कि गेहूं की फसल 15 बीघा थी और पूरी तरह से गिर चुकी है। परिवार की जीविका के लिए अब वर्ष भर दोबारा इंतजार करना होगा। किसान की प्रशासन से मांग है कि फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि दी जाए। प्राइम मेकर न्यूज़ चैनल के लिए धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, विदिशा मध्य प्रदेश। 75% नुकसान होने का अनुमान आपका आपके हिसाब से? नमस्ते भैया, बता क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आई है? आंधी तूफान चला था पानी के कारण और ये किसी गेहूं आड़ा हुआ है जी। कब हुआ है ये? अभी 2 दिन पहले हुआ है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैतान साहू जी। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से ये मांग है कि इस पे कुछ